मुरैना में झांसी रेल मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष ने गुरुवार को मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए। करीब 2 घंटे तक DRM ने मुरैना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेकर स्टेशन क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो मुख्य भवन बना है वह प्लेटफॉर्म के बीच में नहीं है। स्टेशन का भवन आगरा एंड की तरफ ज़्यादा है, इसलिए नया भवन झांसी एंड की तरफ प्रस्तावित किया जाए। वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर एक ही फुट ओवर ब्रिज है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इस फुट ओवर ब्रिज को भी बड़ा किया जाएगा। इसके अलावा झांसी एंड की तरफ एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा जिसमें प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को चढ़ने व उतरने के लिए 2 एक्सेलेटर भी लगाए जाएंगे। मास्टर प्लान बना रही कंपनी के अधिकारी ये नहीं बता पाए कि उन्हें कौन कौन से भवन तोड़ने हैं, उनकी जगह भवनों को कहां बनाया जाएगा, कौन कौन से भवन ऐसे हैं जो यथावत रहेंगे। इस पर DRM आशुतोष ने नाराजगी जताते हुए मास्टर प्लान बना रही कंपनी के अफसरों से कहा कि ऐसे काम करोगे तो हम कंपनी को टर्मिनेट कर दूसरी कंपनी से काम करवाएंगे। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने कुछ फोटो दिखाए जिस पर DRM ने कहा कि फोटो से काम नहीं चलेगा, 10 दिन में पूरा प्लान बनाकर मेरे ऑफिस आइए, मुझे व मेरी टीम को समझाइए, उसके तत्काल बाद काम शुरू करवाएंगे। रेलवे अफसरों ने बताया कि वर्तमान में रेलवे के 4 ट्रैक है जिनकी संख्या बढ़कर 7 हो सकती है। मुरैना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़कर 3 से 4 हो सकती है, लेकिन यह सभी मास्टर प्लान बनने की बात होगा। DRM ने बताया कि 1 महीने में मास्टर प्लान बनाकर तैयार कर लेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य परियोजना प्रबंधक DP गर्ग, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर आशुतोष चौरसिया, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं टेलीकॉम अभियंता अमित गोयल, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर सुधीर कुमार, वरिष्ठ मंडल बिजली अभियंता मयंक शाडिल्य आदि मौजूद थे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे झांसी रेल मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का, उसमें ग्वालियर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, एजेंसी फाइनलाइज हो गई है और वो अक्टूबर 2024 तक पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद खजुराहो और वीराना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन का, उसका भी कंसल्टेंट्स ने प्लान दिया, हम लोगों ने उसमें सजेशन दिया और हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने उसको जो है एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूवल दे दिए, तो उस पर भी कंसल्टेंसी का काम चल रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉट है, 15 स्टेशन हमने 16 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, जिसमें से एक मुरैना स्टेशन भी है। अभी आपने हमारे साथ देखा होगा कि हमने इसका गहन निरीक्षण किया है और आज मैं इसी पर्पज़ से यहाँ पे आया था और हमारे साथ अधिकारियों की टीम है हमारी और उसके साथ साथ जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनको भी हम साथ दे के आए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि दोनों स्टेशन के दोनों छोर पर हमें ये देखना है कि एक यात्री जब आता है स्टेशन में तो उसे क्या अनुभव होता है, क्या दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए मैंने जो है स्थानीय प्रशासन से भी बात की है, कलेक्टर मुरैना से बात हुई है और जो स्टेशन के आने में जो अवरोध हैं, जैसे कि जो दुकानें आगे तक बढ़ाई हुई थी या अतिक्रमण कर रखा है, तो उस पर आपने देखा होगा कार्रवाई तुरंत शुरू भी हो गई है। वो सब हटने के बाद यात्री सुगमता से यहाँ आएगा। उसके बाद दोनों स्टेशन पे ही हमारे पास लंबाई में जगह है, चौड़ाई में कम है, तो उसके लिए हमने अपने कंसल्टेंट को बताया है वो यहाँ पर रुक के 3 दिन या 5 दिन रुक के और रुक के पूरी स्टडी करेंगे, नाप जोक करेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उसके बाद हमें सजेस्ट करेंगे कि एक मास्टर प्लान बनाएंगे। मास्टर प्लान में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें से क्या हम रखेंगे, किनकी आवश्यकता नहीं है, उनको तोड़ने से हमारा ट्रैफिक सर्कुलेशन अच्छा होगा, इस प्रकार का कार्य करेंगे। उसके बाद स्टेशन के अंदर आने के बाद हमें जो फुट ओवर ब्रिज एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वो 12 मीटर का FOB भी हम बनाएंगे और एक हमारा दूसरा FOB जो सैंक्शनड है 6.1 मीटर का, उसके साथ 2 एस्केलेटर भी लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो यात्री की सुविधाएँ हैं, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर आपने देखा कि हमारा जो है शेड पुराना AC शीट का है, उसको हम जो है गैल्वेनियम शीट से करेंगे और सभी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म्स पे कवर ओवर शेड मैक्सिमम हो। और हम आप देख रहे हैं थर्ड लाइन का भी काम हो रहा है, यहाँ से गुड शेड जो है वो सांक में 30 मीटर चौड़ा वार्फ बना है। आज मैं सुबह वहाँ भी होके आया हूँ और वो 30 मीटर चौड़ा वार्फ बहुत उपयोगी है उसके आने का। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ MP की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।